हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और ये मेरे किचन का कैबिनेट है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें शेल्स में रखे हुए सारे जो आपको क्रॉकरी है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज लग रही होगी, तो मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी किया है घर पे जीरो कॉस्ट पर ऑर्गेनाइजर्स। तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। अगर आप वो ऑनलाइन कितने का परचेज करते हैं तो उसकी पिक भी मैं लगा दूंगी कि आपको वो कितने का पड़ेगा। और ये देखिए, ये किचन का जो मैंने टू लेयर्स का फिलहाल बनाया है शेल्फ्स, तो क्योंकि मैंने अपने कैबिनेट की अपनी जो भी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। आप चाहें तो सिंगल लेयर, थ्री लेयर्स, फोर लेयर्स बना सकते हैं, इसे काउंटर टॉप पर रखने के लिए बना सकते हैं। और ये देखिए कितना ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। और एक ये दूसरा बनाया है मैंने, और ये देखिए अगर इसके साथ में पिक्चर भी मैंने इसकी अपलोड कर दिया। ऑनलाइन आप परचेस करते हैं तो इसकी कॉस्ट आप देख लीजिए क्या पड़ती है आपको, और घर पर आप जीरो बजट पर बना। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मैंने स्वीट बॉक्स लिया है, और दूसरा फॉइल पेपर का जो हमारे मेरे पास एम्प्टी बॉक्स रखा था वो लिया है। उसको पहले हमने सेलो टेप की हेल्प से बिल्कुल क्लोज कर देना है एक बार उसे अच्छे से। और उसके बाद ये जो बड़ा वाला स्वीट बॉक्स है इसको हम बेस बनाएंगे। अब उसको बेस बनाया है और छोटे वाले को उसके ऊपर रख के एक लेयर दे दिया, और सेलो टेप से इसको हम पहले फिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर मैं इसको प्लास्टिक के ऊपर से कवर कर रही हूँ। आप चाहिए पेपर से रैप कीजिए, चाहे आप इसको क्लॉथ से इसको कवर कीजिए। प्लास्टिक से करने का मेरा एक ये रीज़न है कि जब ये गंदा हो जाएगा तो आप इसके पे गीला कपड़ा मारिए और एकदम साफ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक से कवर किया है। और इसको आप काउंटर टॉप पे रखिए या अपने कैबिनेट के अंदर, देखने में भी ये बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। डीआईवाई के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है, उसको एक साइज की मैंने चार्स जो है कटिंग कर लिया। हम इसका टेबल टाइप बनाएंगे, तो इसको पेस्ट करेंगे फेविकोल से लेयर के ऊपर लेयर रखकर, ताकि ये जो है कार्डबोर्ड जो है स्ट्रोंग हो जाए। जो भी हम इसके ऊपर क्रॉकरी रखे तो ये उसका वेट जो है कैरी कर सके। और इसके और अगर कार्डबोर्ड की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपका कार्डबोर्ड काफ़ी अच्छा मोटा है तो आप लेयर एक आधी कम कर सकते हैं, और अगर उसकी थिकनेस आपको लगता है कि काफ़ी पतली है तो आप एक आधी लेयर बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह हम उसको फेविकोल लगा कर जाएंगे, और उसके बाद कार्डबोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड रख कर इस तरह उसका एक बेस जो है हम रेडी कर लेंगे। और ये मैंने पीवीसी का पाइप लिया था, उसके बाद जितनी आपने हाइट देनी है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके फोर पीसेस जो है कट कर लिए, और इसकी लेग्स बना ली हैं, और इसको इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। और इसमें मैं जो ग्लू गन की हेल्प की से ये इसको पेस्ट कर रही हूँ। और अगर आप इसको चाहते हैं कि ज़्यादा हैवी इसके ऊपर वेट डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह वाइट सीमेंट या पीओपी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा।
तो मैंने इस पे ज़्यादा हैवी क्रॉकरी नहीं रखनी थी, तो इसलिए मैंने इसी से पेस्ट किया। और ये देखिए, अब ये जो हमारा जो है इसका जो बेस एक तरह से तैयार हो गया है, और इसको बाद भी इसको भी मैं जो है प्लास्टिक से ही कवर कर रही हूँ, और वही ग्लू गन की हेल्प से हम इसको चारों तरफ से इसको पेस्ट कर देंगे। और आप क्लॉथ यूज़ कीजिए, पेपर यूज़ कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहे तो आप क्लॉथ यूज़ कीजिए, या फिर प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो सबसे अच्छा है। अगर आपका गंदा भी हो जाएगा तो आप गीला कपड़ा मारेंगे तो वो एकदम बिल्कुल से नया हो जाएगा पहले जैसा। अब चलते हैं हम थर्ड DIY की तरफ। तो ये देखिए, ये मैंने सीढ़ी की शेप में चार सर्कल ले लिए हैं कार्डबोर्ड के, और उसके बाद इसको भी मैं फेविकोल की हेल्प से इसको बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेयर के ऊपर लेयर लगा के पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। और ये मैं बना रही हूँ अपना फॉइल पेपर रखने के लिए स्टैंड बना रही हूँ, और बहुत ही इजी है बनाने के लिए, बहुत ही यूज़फुल। चाहे आप इसके अंदर अपना किचन डाल रखिए या अपना फॉइल पेपर रखिए, कुछ भी रखिए, काफ़ी मजबूत भी बनेगा और सुंदर भी लगेगा। अब इसके अंदर ये वॉकर वुड की स्टिक पड़ी थी मेरे पास, तो वो मैं इंसर्ट करूँगी। आपके पास कोई भी पतला पाइप हो, कुछ भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको मजबूत बनाना है मुझे, क्योंकि हमारा फॉइल पेपर जो हम लाते हैं 1 kg का होता है, तो फेविकोल से अगर हम इसमें डालेंगे तो वो मजबूती नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने लिया है POP, उसमें डाल रही हूँ मैं फेविकोल, और उसका पेस्ट बना के मैं इसके अंदर इसको इसे पेस्ट कर देंगे, तो इसे काफ़ी मजबूत हो जाएगा हमारा। और इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे, तो इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट देके इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। मैंने इसको एक दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। और आप वीडियो को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पे प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहती हूँ। तो ये मैंने ये क्लॉथ लिया है, एक्चुअली मेरे जो किचन का वुडवर्क मैरून कलर का है, तो इसलिए मैं इस पर मैरून कलर का मेरे पास क्लॉथ अवेलेबल था। तो इसके बाद हम इसके कट करेंगे, और ग्लू गन की हेल्प से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। और अब इसके ऊपर 3D की शेप में एक और काटेंगे, उसके बाद बीच में होल करके इसके ऊपर हमने पेस्ट कर देना है इसको। और इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हम इसके चारों तरफ हम लेस लगा लेंगे, और ये हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है बिल्कुल रेडी हो जाएगा।